तो गाइस अभी आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर जिस फ्रूट कैच गेम को देख रहे हैं, आप दोस्तों इस तरह का गेम अक्सर अपने स्मार्टफोन पर खेले होंगे। पर गाइस आप भी अगर रियल लाइफ में इस तरह का गेम बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके वीडियो को शूट करना होगा। जैसा कि साथी हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे हाथ में एक बोरी पकड़ा हूँ, देन कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके यहाँ पे मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से यहाँ पर एक वीडियो को शूट कर लेना होगा। शूट करने के बाद दोस्तों उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर काइन मास्टर के अंदर सिलेक्ट करना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, उस वाले वीडियो को मैंने यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट करके रखा है। अब दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर इस वीडियो एडिटिंग में यहाँ पे जो जो चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा सारे चीज़ों को मैंने लिंक दे के रखा है। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से हर चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मीडिया वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर दोस्तों आप जो स्टार्टिंग में जो फ्रूट आप यहाँ पर लगाना चाहते हो उस वाले फ्रूट को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन कुछ इस टाइप से पहले जो फ्रूट होगा उसको वैसे आप यहाँ पर छोटा कीजिएगा। छोटा करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर अपना वीडियो को प्ले करना होगा, और प्ले करके गाइस उस जगह पे जाना है जहाँ पर आप बोरी को छान के आप हटा रहे हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दे देते हैं बोरी पर छाँधा हुआ, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, जो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस यहाँ पे मैं हटा लूँगा। अब दोस्तों ये जो फ्रूट है इसको गाइस आपको यहाँ पे छोटा कर लेना है, कुछ इस टाइप छोटा करके जहाँ पर आप छान रहे हो उसी जगह पर आप इसको लाइएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर ला रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया है। अब दोस्तों इस एंडिंग में आके यहाँ पर दोस्तों आपको अगर की में क्लिक करना होगा, यहाँ पर आप प्लस का मार्क सेलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद स्टार्टिंग तरफ में आपको यहाँ पर आना होगा। देन ये जो ऑरेंज है इसको मैं सीधा सीधा कुछ इस टाइप से ऊपर तरफ में यहाँ पे उठा देता हूँ। अब दोस्तों इस जगह से मैं अपने वीडियो को अगर प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वाला फ्रूट है यहाँ पर मेरा आ चुका है। पर गाइस यहाँ पे एंडिंग जहाँ से बोरी मेरा अंदर में जा रहा है यहाँ पर उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, तो उसको गाइस यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाने के लिए फाइल पर क्लिक करना होगा। आउट एनिमेशन में जाइएगा, फेड वाले ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, और गाइस जितना हो सके इसको आप यहाँ पर कम कर दीजिएगा। तो कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पर 0.1 किया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कितना स्मूथली यहाँ पर जो फ्रूट है गायब हो रहा है। अब दोस्तों बारी है नेक्स्ट फ्रूट को ऐड करने का। सो गाइस मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से देखता हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, अभी को मैं यहाँ पर लेयर पर क्लिक करूँगा, मीडिया वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट वाला फ्रूट है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। देन इसको भी गाइस आप यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर आप बोरी छान के हटा रहे हो, जस्ट उतना आप आके फाइल पर क्लिक करके पहले आप इसको हटा लीजिएगा। अब दोस्तों आप स्टार्टिंग तरफ में आके इसको कुछ इस तरह से छोटा कीजिएगा। ठीक है, छोटा करने के बाद जहाँ पर आप बोरी छानते हैं उसी जगह पर आप इसको भी रखिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पर मैं बोरी छान रहा हूँ, इसको सेब को मैंने इस जगह पर ले आया है। अब दोस्तों इस जगह पर आपको प्लस का मार्क सेलेक्ट करना होगा। स्टार्टिंग तरफ में आके इसको भी गाइस आप यहाँ पर सीधा सीधा कुछ इस तरह से ऊपर तरफ आप यहाँ पर उठा दीजिएगा। देन गाइस यहाँ पर इसमें भी आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन में जाके फेड वाले को सिलेक्ट करिएगा, और कुछ इस तरह से इसको आप यहाँ पर 0.1 कर दीजिएगा। इस जगह से मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सेव आ रहा है, सेव मेरे यहाँ पर बोरी के अंदर गया, कुछ इस तरह से गायब हो गया। अब दोस्तों इस जगह पर अगर देखो तो मैं यहाँ पर फाइट मार रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर जहाँ से वापस से ऊपर तरफ देख रहे उस जगह पर जाना है। देन लेयर पर क्लिक कीजिएगा, मीडिया वाले ऑप्शन में जाके अब दोस्तों आपको यहाँ पर बस का जो PNG डाउनलोड किया उस वाले बस को सिलेक्ट कीजिएगा। देन जहाँ पर आप फाइट मार रहे उस जगह पर आप जाइएगा। कुछ इस टाइप से अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर वीडियो को मैंने प्ले किया, जस्ट फाइट मारा, यहाँ से हाथ को हटा रहा, जस्ट इतना इसका ड्यूरेशन रखिएगा। देन फाइल पे आपको क्लिक करना है, कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके साइड का जो पार्ट रहेगा उसको आप यहाँ पे हटा दीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जहाँ पर आप फाइट मार रहे उस जगह पर आप जाइएगा, जाकर साथियों बस जो गाइस इसको कुछ स्टेप छोटा कीजिएगा। देन इसको आपको इस जगह पर रखना है। रखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप एक बार की में क्लिक कीजिएगा, प्लस के मार्क सेलेक्ट कीजिएगा। करने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पर एंडिंग तरफ में जाइएगा, देन प्लस का मार्क सेलेक्ट कीजिएगा और इसको कुछ इस टाइप से बाहर में कर दीजिएगा। अब दोस्तों वापस आपको स्टार्टिंग तरफ में आना है, देन कुछ इस टाइप से इसको आप यहाँ पे सीधा सीधा इस तरह से आपको उठा देना होगा। अब दोस्तों इस जगह से मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर बस आ रहा है, बस को जैसे फाइट मारा वो साइड में चला गया। तो गाइस इस तरह से आप मैं यहाँ पर जितने सारे फ्रूट और बस है उसको मैं पहले एडजस्ट करता हूँ, देन फाइनल आउटपुट आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे फ्रूट्स एंड बस को मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लिया है। अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को शुरू से प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, देख सकते हैं। पर गाइस इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पे फनी वे में बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पे जो शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा,
आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 1080 60fps में जो बीट रेट है इसको आप यहाँ पे हाई रख के एक बार वीडियो को यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बैक करके बाहर आना होगा। देन गाइस वापस से अभी आपको यहाँ पे 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट करके यहाँ पर दोस्तों जो वीडियो आपने अभी बनाया हो उस वाले वीडियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। देन फनी दोस्तों आपको बनाने के लिए इस वाले वीडियो का जो स्पीड है आपको यहाँ पे 1.5 आपको यहाँ पर कर देना होगा। ऑडियो गाइस आप यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहते हो उसको आप यहाँ पे लगा लीजिएगा। देन दोस्तों वीडियो को और मैं अभी प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस टाइप से वीडियो दिखेगा, देख सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे जो फ्रूट कैच वाला गेम है आप यहाँ पे इजीली आप बना सकते हो। बाकी साथियों इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेम आप 1080p 60fps पे अपना वीडियो को सेव कर लीजिएगा।